हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ कैबेज कचौरी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो सबसे पहले हम कचौरी का फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कटे हुए लहसुन। लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा कटा हुआ प्याज। अब ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। इसके बाद ऐड करेंगे पत्ता गोभी, यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से मसाले, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा ही नमक मैं ऐड करूंगी क्योंकि हमें कचौरी के आटे में भी नमक ऐड करना है। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूंगी। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 ग्रेट किया हुआ आलू, उबला आलू है ये, और 1 कटी हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसे मैं पकने दूंगी। 1 मिनट हो गया, गैस को बंद कर देंगे और इसे मैं एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो बाउल में मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे से भी कचौरी बना सकते हैं, पर मैं गेहूं के आटे से बना रही हूं। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूं चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच तेल। अब हम इसमें पानी डाल के इसका मीडियम डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसे चिकना कर लूंगी। तो आटा बनके तैयार हो गया है कचौरी के लिए। तो चलिए पहले तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और कचौरियाँ हम तैयार कर लेते हैं। आटा तैयार है, फिलिंग तैयार है, तो अब हम कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी हम लोई तैयार करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा, हाथों से हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे फिलिंग और इसे अच्छे से पैक करेंगे। हल्के से बेल लेंगे और कचौरियाँ बनके तैयार हैं। इसी तरह से और कचौरी को हम बना लेंगे। तो कचौरियों को मैंने बेल के तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें डालूँगी कचौरियों को और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक पकाना है लो फ्लेम पे। तो कचौरियाँ अब पक के तैयार हो गई हैं, देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी पेपर नैपकिन पे और इसी तरह से और कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। तो गर्मा गर्म बन के तैयार है हमारी कचौरी, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ, आप इसे मीठी चटनी या टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।